अपोलो पाइप, क्या जबरदस्त विज्ञापन चल रहा है इसका। खैर मुकेश जी अभी 100 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, 645 का इनका भाव है, क्या करें, पूछ रहे हैं। टाइम फ्रेम नहीं बताया इन्होंने अपना, जो अप्रोच है कि वो निवेशक के हिसाब से देख रहे हैं, किस कितना समय लेकर के चल रहे हैं, ये सब नहीं बताया उन्होंने। पाइप्स एंड फिटिंग्स के रिजल्ट बड़े मिक्स्ड हैं इस बार मुकेश कुमार जी, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। ये है वो लो पाइप्स, तो इसका अपोलो पाइप का रिजल्ट अभी मुझे दिख तो नहीं रहा है, तो वो बेहतर बताता आपको। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी है पाइप्स एंड फिटिंग्स में थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, रिजल्ट बड़े मिक्स्ड आ रहे हैं और वैल्यूएशंस हर पाइप्स एंड फिटिंग सेरामिक्स के आपके 20 से 40% तक आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत ही ये सेक्टर में केयरफुल रहना होगा मेरे हिसाब से। अपोलो पाइप पे भी रहना चाहिए केयरफुल, आपको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। इसका वैल्यूएशन भी करीब करीब मिनिमम तो 20% बाहर दिख रहा है मुझे, और अगर 20% को मैं अब बेक इन करना की कोशिश करूँ तो 100 से 125 रुपये यानी 600 से 500, हाँ तो दिखा भी रहा है कि यही आपका जो 480 के आसपास का बॉटम है ना, ये आपके लिए सेफ जगह रहनी चाहिए वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। तो अभी इंतजार कीजिए, वहां जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, रिजल्ट आने दीजिए, उसके पहले इस पे कोई फैसला मत लीजिए, और ये सेक्टर में वैल्यूएशन के हिसाब से और रिजल्ट के हिसाब से बहुत केयरफुल रहिए। जी,